आज ये एक्सरसाइज हम इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि बाकी की एक्सरसाइज भी क्रोमेटिक है और क्योंकि इसीलिए ये भी क्रोमेटिक एक्सरसाइज हम इसको बोल सकते हैं। उसके फॉर्मूले दोनों असेंडिंग ऑर्डर के और डिसेंडिंग ऑर्डर के, दोनों ऑर्डर्स के अलग अलग है फॉर्मूले। तो इसको सबसे पहले हम स्लो स्पीड में सीखेंगे ताकि आपको सीखने और बजाने में आसानी आए। तो आई होप कि आप भी अभी जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी आप अपना अपना हाथ में लेके बैठे होंगे घर पे गिटार। तो आइए चालू करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया इसको फर्स्ट फ्रेट से और 15 पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेट से हम शुरू कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है पहले हमको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इसमें हमने दो दो स्ट्रिंग को साथ में लिया है एक के बाद एक। जैसे ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। इसमें 4 फ्रेट का यूज़ किया गया है एक के बाद एक, 4 फ्रेट। इन चारों फ्रेट्स में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी। तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम इन चारों फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बात सिक्स्थ स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग दो दो स्ट्रिंग के पेयर बना रखे हैं हमने, इनको टुकड़ों में प्ले कर रहे हैं तो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो रही है। दो स्ट्रिंग को एक के बाद एक बजाया जा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह अभी आपने ये देखा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आई होप कि आप अभी अपना अपना लेकर बैठे होंगे हाथ में इस वक्त। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लो स्पीड में बजाकर बता देता हूँ, स्लो स्पीड में इसका फॉर्मूला समझा देता हूँ जिससे कि आपको सीखने में आसानी होगी। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, वैसे तो आ जाएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, आपको सीखने में भी आसानी हो और बजाने में भी बहुत मज़ा आएगा। आइए चालू करते हैं। 1 2 ये सिक्स स्ट्रिंग पे 2 स्ट्रोक किया, कैसे 1 2। फिर फिफ्थ स्ट्रिंग पे 4th फ्रेट 4 3, फिर 1 2 फिफ्थ स्ट्रिंग पे, फिर 3 4 सिक्स स्ट्रिंग पे। देखो कैसे 1 2 सिक्स स्ट्रिंग पे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे क्या है 4 3, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग पे 1 2, फिर सिक्स स्ट्रिंग पे 3 4, ठीक है 1 2 4 3, 1 2 3 4 हो गया। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर हम अब हमको नीचे जाना है तो कैसे करेंगे हम 1 2 4 3, 1 2 3 4 4 हुआ। फिर फिफ्थ स्ट्रिंग पे जाएंगे, फिफ्थ स्ट्रिंग पे भी यही प्ले करना है, फिफ्थ से 4 पे जाना है, कैसे 1 2 4 3, 1 2 3 4। फिर फोर्थ स्ट्रिंग 1 2 3 4 3, 1 2 3 4। फिर थर्ड स्ट्रिंग 1 2 4 3, 1 2 3 4। फिर सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रिंग का ध्यान रखना 1 2 4 3, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार और मैं इसको स्लो स्पीड में बजाकर बता देता हूँ जिससे कि आपको और आसानी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर बजा कर देखते हैं। अब ये फोर्थ फ्रेट पे खत्म हुई, मैंने आपको बताया था सेकेंड स्ट्रिंग पे खत्म हो जाएगी, सेकेंड स्ट्रिंग पे ही खत्म होगी। कैसे सेकेंड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे खत्म हो गई। अब हमको वापस इधर आना है, ऐसे 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 जिग-जैग चल रहा है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ से सेकेंड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट से शुरू करेंगे। कैसे? फॉर्मूला वही है, बस इधर आना है तो स्ट्रिंग इधर की ओर आएगी। कैसे? थर्ड स्ट्रिंग पे, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट पे खत्म हुआ। अब हमको वापस नीचे जाना है ऐसे, तो थर्ड फ्रेट पे आएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पर। कौन सा फ्रेट पे खत्म हो रही है? सेकंड स्ट्रिंग पे, सिक्स्थ फ्रेट पे। तो सिक्स्थ फ्रेट पे खत्म हो गई, फिर इधर आना है हमको। सेकंड स्ट्रिंग के सिक्स्थ फ्रेट पे खत्म हुई है एक्सरसाइज। तो अब हमको सेकेंड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट से शुरू करना है। ठीक है, सेवंथ फ्रेट आ गया। अब मैं आपको इसको स्पीड में बजाकर क्लियर कर देता हूँ, एक्सरसाइज 15 फ्रेट तक चले जाता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने समझा ही दिया है, बता ही दिया है, स्लो स्पीड में भी बजा दिया है। अब हम यहाँ तक आ गए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो आप लोगों के लिए, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में बजाकर इस एक्सरसाइज को हम क्लियर करते हैं। ठीक पे खत्म हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये 15 फ्रेट है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये एक्सरसाइज मैंने आपको अभी बजाकर बताई है या जो एक्सरसाइज हम सीख रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला अगर हमने सही से यूज़ किया, फ्रेट चेंज किए, तो आपकी एक्सरसाइज 15 फ्रेट पे असेंडिंग ऑर्डर इसका ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर सीखा इस एक्सरसाइज का, जो कि 15 फ्रेट पे ख़त्म हो गया। ठीक है, स्लो स्पीड में भी आपको बजा दिया, स्लो मोशन में भी बजा दिया, इसका फॉर्मूला भी समझ में आ गया हमको। क्या था फॉर्मूला? 1 2 4 3 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर से हमको ऐसे जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, अवरोह क्रम, ऐसे ऐसे। 15 फ्रेट पे ख़त्म हुई तो 15 फ्रेट पे ही शुरू करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर इसका। और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, उल्टा है। कैसे? 4 3 2 1 3 4 2 1। सिक्स स्ट्रिंग पे शुरू किया है तो सिक्स पे ही आएगा वापस घूम के। ठीक, कैसे? आया ना सिक्स स्ट्रिंग पे। असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? ये भी सिक्स्थ पे आया था, फिर हमने फिफ्थ ली थी। ठीक, इसी तरह ये भी सिक्स्थ पे आएगा, फिर हम फिफ्थ पे जाएंगे। कैसे? 4 3 2 1 3 4 2 1। 4 3 चेंज स्ट्रिंग, 2 1 3 4 फिर चेंज स्ट्रिंग, 2 1। ये सिक्स स्ट्रिंग पे खत्म हुआ, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग से। फॉर्मूला सेम है, नीचे उतरते जाना है। इधर से भी सेकंड स्ट्रिंग पे खत्म हो रही थी एक्सरसाइज, इधर भी सेकंड स्ट्रिंग पे खत्म होगी। ठीक है, कैसे? सेकंड स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर रखिए। अब हमको फिर इधर आना है, तो फिर क्या करेंगे हम, फोर्थ फिंगर को सेकंड स्ट्रिंग के 14th फ्रेट पे रखेंगे। ठीक है, फिर इधर से वही फॉर्मूला 4 3 2 1 3 4 2 1, फिर इधर ऊपर चढ़ेंगे तो एक एक स्ट्रिंग इधर आएंगे। सेकेंडली अभी हमने फिर थर्ड स्ट्रिंग, फिर चेंज 11th फ्रेट पे आ गए, 6 स्ट्रिंग पे 11th फ्रेट पे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इधर जाएंगे तो एक फ्रेट और पीछे आ गए 13th फ्रेट पे। ठीक है, फिर 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, अभी वीडियो ज्यादा बढ़ाना हो जाए इसलिए हम अभी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बजाकर वीडियो को छोटा करता हूँ। समझ में आ गया? एक बार और आपको फॉर्मूला डिसेंडिंग ऑर्डर का शॉर्ट में मैं आपको प्ले करके बजा के बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इसका एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इस क्रोमेटिक एक्सरसाइज का सीखा।